चुनाव में मात्र अब दो दिन ही शेष रह गए हैं। हर पार्टी ने जहां अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, वहीं राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। अपनी मां नैना चौटाला के समर्थन में हिसार पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी जमकर कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जेपी पर तंज कसते हुए उनका कहना था कि हिसार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी को लेकर तीन चीजें मशहूर हैं। क्या है वो, सुनिए दुष्यंत का कटाक्ष। वो तो मेरे से क्यों, हिसार की आम जनता से पूछ ले कि तीन चीज के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी फेमस है, झूठ, थापी मारना और हिसार से गायब हो जाना। तीन बार वो यहाँ से सांसद रहे, केंद्र मंत्री रहे। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप पत्रकार हो, तीन काम गिनवा दो जो हिसार के लिए उनने कर देने का काम किया है। जनता ये सारी चीज़ें देखती है, जागरूक जनता है और जागरूकता के साथ जनता वोट की चोट से जवाब। कांग्रेस का नारा है कि हाथ बदलेगा हालात पर भी दुष्यंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो कह रहे हैं कि आप हाथ बदल दो, हम हालात बदल देंगे। दुष्यंत चौटाला यहीं नहीं रुके बल्कि आगे उनका कहना था कि भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो ठीक उस सौदेबाजी की शक्ति की तरह है जब कोई ग्राहक दुकान पर शर्ट खरीदने आता है और 400 की चीज को 200 में खरीद लाता है। यही हाल होगा भाजपा के नारे के साथ। बदल दे वो तो हालात बदल जाएंगे, आप खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस हाथ बदलेगा हालात बदलेगा, तो कांग्रेस के हाथ बदल दो हम हालात बदल देंगे। दुष्यंत जी, जो इनका 400 पार का नारा अब तक सिनेरियो क्या करता है? मैं एक चीज कहता हूँ, कपड़े की दुकान है और ये शर्ट का रेट 400 लगाएंगे और जाते जाते आप बार्गेनिंग करके 200 में लेके जाओगे, जाओगे नहीं जाओगे वो मोदी जी की बात है, 400 लाए या 200 में लाके छोड़ दे। वहीं दुष्यंत ने अपने बागी विधायकों को लेकर भी एक बड़ी चेतावनी दे डाली। सुनिए देवेंद्र बबली समेत अपने 6 विधायकों को दुष्यंत का क्या कहना था। इशारा ही किया है, बोला तो नहीं, बोलते तो हम कार्रवाई भी करते। वो कह रहे हैं कि कई बार हमने कहा कि कार्रवाई करो मेरे पर, मैंने कहा। तो उन्होंने कुछ ऐसा पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जो नोटिस गए उसका जवाब दे दे वो और पार्टी छोड़ दे। देवेंद्र बबली जी ने भी कांग्रेस को उनको ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं और पहले 2 की हमने स्पीकर से कार्रवाई की मांग करी है, जल्दी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। खैर, राजनीति में तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी प्रकार चलता ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि इस बार हिसार की हॉट सीट से कौन बाजी मारेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।